الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم। अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान करीम की मशहूर सूरत सूरह यासीन की चंद आयतों की तिलावत की है। इसी सूरत की पूरी तफसीर को हमें सुनना है। सूरह यासीन बहुत मशहूर सूरत है कुरान की सूरतों में से। इस सूरत के हदीस पाक में बड़े बड़े फजाइल आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि हर चीज का एक दिल होता है, कुरान का दिल सूरह यासीन है। क्योंकि कुरान करीम में जो मजामीन है, जो सब्जेक्ट बयान किए गए हैं, उन सब का खुलासा सूरह यासीन में आ गया है। इसलिए इस सूरत को कुरान का दिल कहा गया। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि हर उम्मती के दिल में, मेरी ये चाहत है कि हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो, यानी हर एक को सूरह यासीन याद हो। तो जरूरी है कि हम सूरह यासीन को थोड़ा थोड़ा करके याद रखें। हुजूर की ख्वाहिश थी कि हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन होनी चाहिए, तो कम से कम हमें सूरह यासीन याद होनी चाहिए। तीसरी रिवायत में यूं फरमाया कि जो इंसान दिन के शुरू में सूरह यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह पूरे दिन के कामों में उसकी कफालत करेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे दिन भर के काम बन जाए, तो हमें सूरह यासीन को दिन के शुरू में पढ़ लेना चाहिए। लेकिन हमारी नीयत कुरान की पढ़ने की हो, दुनिया की मामूली गर्जों के लिए कुरान पढ़ने वाले हम न बने। और ये बुजुर्गों ने लिखा है कि ये सब चीजें उस वक्त फायदा देती है जब इंसान फराइज की पाबंदी करे। आज हमारा हाल है कि वजीफे तो बहुत चलते रहते हैं, ये वजीफा, वो वजीफा, इसका वजीफा, उसका वजीफा, उम्मत वजीफों में खो गई है। लेकिन वजीफा कब फायदा देगा? जब इंसान फराइज की पाबंदी करेगा। अगर फराइज पढ़ता ही नहीं है और वजीफे पर वजीफे, लाख वजीफे पढ़ो, कोई असर होने वाला नहीं है। वजीफे कब असर हो देंगे? जब इंसान फराइज की पाबंदी करेगा और उसके साथ वजीफे की पाबंदी। वजीफा वजीफा है, कुरान कुरान है, नमाज नमाज है, फराइज की पाबंदी जरूरी है। समझे? ये मुख्तसर कुछ फजीलतें थी। बाकी बहुत सारी रिवायतों में सूरह यासीन की और भी बहुत सारी फजीलतें आई है। इंसान के लिए जरूरी है कि कम से कम रोजाना दिन के शुरू में, फजर के वक्त में सूरह यासीन को जरूर पढ़े। किसी भी हाल में ये मामूल छूटना नहीं चाहिए। उसका असर, उसके अनवार, उसके बरकात इंशाअल्लाह इंसान पूरे दिन महसूस करेगा। अल्लाह फरमाते हैं यासीन, यासीन ये हुरूफ़े मुकत्तआत कहते हैं। हुरूफ़े मुकत्तआत का माना ये होता है जिसका मीनिंग अल्लाह ही को मालूम है, या जिसका मीनिंग अल्लाह ने अपने नबी को बताया था, बाकी किसी को मालूम नहीं, उसको कहते हैं हुरूफ़े मुकत्तआत। कुरान की बहुत सारी सूरतों के शुरू में पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम कभी है, अलिफ लाम रा है, कभी काफ हा या ऐन साद है, हामीम है, इन सबको हुरूफ़े मुकत्तआत कहते हैं। इसका माना अल्लाह ही को मालूम है, हमें उसके माने के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, न हम उसका माना जान सकते। तो यासीन भी हुरूफ़े मुकत्तआत में से है। आगे फरमाते हैं वल कुरआनिल हकीम, कसम है कुरान पाक की जो हिकमत से भरा हुआ है। अल्लाह ने कुरान की कसम खाई। अल्लाह के दुनिया में एक मसला सुन लो, गैरुल्लाह की कसम खाना जायज नहीं है, हराम है। गैरुल्लाह नहीं है कि भाई मैं अपने बच्चे के सर पर हाथ रखता हूँ, हाथ रखता हूँ तो क्या हुआ, मैं कुरान की कसम खाता हूँ तो क्या हुआ, नबी की कसम, किसी भी की कसम खाना जायज नहीं है। कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खाई जाएगी, किसी की भी कसम नहीं, नबी की भी नहीं, किसी और की बात तो दूर रही। और ये हाथ रखता हूं और ये पकड़ता हूं, उसकी इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है। कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात की खाई जाएगी। तो अल्लाह यहां कुरान की कसम क्यों खा रहा है, सवाल होगा। तो कहा कि अल्लाह तो जिस चीज की अपने कुरान में कसम खाए, वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है उसको बतलाने के लिए अल्लाह कसम खाता है, कि वो चीज कितनी कीमती है कि अल्लाह ने कसम खाई। वरना अल्लाह को किसी चीज की कसम खाने की जरूरत
नहीं हम कसम कब खाते हैं, आपने मुझे कोई बात कही आकर के ऐसा हुआ, मेरे को कह यार नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। आप कहोगे नहीं मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसा हुआ है, यानी आप अपनी बात मनवाने के लिए इंसान कसम खाता है, अल्लाह को तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह कसम जो खाता है उसकी हिकमत है, उसकी एक हिकमत बड़ी ये है कि जिसकी अल्लाह कसम खाए वो चीज कितनी कीमती होगी, ये बतलाने के लिए अल्लाह ने कसम खाई है। तो अल्लाह कसम कर रहा है वल कुरान हकीम, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। तो कितना कुरान कितना कीमती है से बात पता चली, और रमजान के महीने में तो कुरान की निस्बत, यानी रमजान की निस्बत कुरान की तरफ अल्लाह ने कर दी। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, कुरान का महीना है ये। तो कुरान अल्लाह का कितना बड़ा हम पर एहसान कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया, और कुरान की हिकमत बलागत उसके बारे में तो मुस्तकिल वक्त चाहिए जिस कुरान के बारे में कहते हैं। कुरान तो कुरान है, सबसे बड़ी बात अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, इससे बढ़कर क्या चाहिए। अल्लाह की जात से निकला हुआ है, अल्लाह ने उसका तकल्लुम किया है, इससे बढ़कर क्या चाहिए कुरान के लिए। देखो किसी बुजुर्ग का वजीफा अपनी जगह पर, वो बुजुर्ग का अमल है, और ये कुरान अल्लाह की जात से निकला हुआ है, अल्लाह ने बोला है उसको, तकल्लुम किया है, कमा अली को बिशानी। तो मेरे भाई ये कुरान से जुड़ने की जरूरत है, सिर्फ यासीन के लिए नहीं, सिर्फ सूरह बकरा के लिए नहीं, रोजाना कुरान खोलकर पढ़ने की आदत डालें, चाहे पाव पारा की आदत डालें, लेकिन कुरान रोज पढ़े। तो कुरान हाथ में लेंगे रोजाना, बस हमारा हाल क्या है, यासीन बहुत बहुत तो पढ़ ली, जुमा आया तो सूरह काफ पढ़ ली, मैयत हुआ तो यासीन पढ़ ली, घर का इफ्तिताह हुआ तो बकरा पढ़ ली, बाकी कुरान कुरान घर में रखा है तो रखा जाए, वो बीवी को मायके से देश में आया तो वो वहां का वहां रह जाता है। बहुत बहुत तो रमजान में कभी खोल लेते। एक मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान खत्म करना मकसूद नहीं, कुरान में जिंदगी खत्म करना मकसूद है। रमजान में 5 कुरान खत्म किए, 10 अल्लाह का एहसान है, लेकिन ये मकसूद नहीं है। मकसद क्या है, पूरी जिंदगी हम कुरान के साथ जुड़े रहे। तो हम नियत करेंगे इंशाल्लाह रोजाना कुरान खोलकर पढ़ेंगे, चाहे पाव मारा क्यों ना हो, लेकिन पाबंदी से पढ़ेंगे। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात से निकला हुआ है, उसका नूर उसका असर, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है शैतान जिन्नात कोई मखलूक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसके बाप की मजाल है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाए और उसमें कोई हर एक परेशान है, तावीज मांग रहे हैं, कोई पानी दम करवा रहे हैं, कोई क्या, हमारे घर में यूं हो रहा, घर में हमने कुरान को बंद करके रख दिया तो ये सब होने वाला है। जिस घर में कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा, इसकी क्या मजाल है उसके। तो हम घरों में भी कुरान की तिलावत की आदत डालें, मस्तूरात को बच्चों को ताकीद करें, रोजाना कुरान खोलकर बैठो, पाव बारा चाहे पढ़ो, लेकिन कुरान की तिलावत घरों में हो। जिस घरों में कुरान की तिलावत होती है आसमान वालों के लिए वैसा चमकता है जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते। तो रोजाना नियत करो इंशाल्लाह कुरान खोलेंगे, और घरों में खोलेंगे और घर में पढ़ेंगे। चलो मस्जिद में अगर पढ़िया इतना भी बहुत है, लेकिन असल तो घर में पढ़ेंगे। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, यहाँ तो बरकत रहमत सब होगा ही होने वाला है, लेकिन असल तो घरों में बरकत हमें चाहिए, घर में अल्लाह की रहमत चाहिए। रोजी के आलम में हर एक परेशान, 1 करोड़ वाला कहेगा कि 2 करोड़ मिल जाए, और 2 करोड़ वाला कहेगा 4 करोड़ मिल जाए, हर एक रोजी के बारे में परेशान है। रोजी की बरकत कहा के घर में कुरान पढ़ो बरकत आएगी। तो अल्लाह कसम खा रहा है वल कुरान हकीम, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। किस बात पर अल्लाह कसम खा रहा है, इन्नक लमिनल मुरसलीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कोई शक नहीं कि आप पैगंबरों में से हैं। कुरान की कसम खाकर अल्लाह ने फरमाया कि नबी आप पैगंबरों में से, हम उस पर कुरान की कसम खाते हैं। 2 बातें मुफस्सिरीन ने लिखी, एक बात तो ये हुजूर की शान है, आपके अलावा किसी की रिसालत को साबित करने के लिए कुरान की कसम नहीं खाई गई, सिर्फ आपकी रिसालत के लिए कुरान की कसम खाई गई। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आपकी रिसालत साबित करने के लिए कुरान की कसम अल्लाह ने खाई। और दूसरी बात कि भाई आपकी रिसालत की दलील क्या है, ये जो मुशरिकीन मक्का मान नहीं रहे, आप बार बार उनको समझा रहे मान नहीं, कहा कि आपकी नबुव्वत की सबसे बड़ी दलील ये कुरान है, अल्लाह ने ये कुरान आप पर उतारा, यही तो सबसे बड़ी दलील है।
तो हुजूर की रिसालत को साबित करने के लिए अल्लाह ने कुरान की कसम खाई, आगे फरमाया अला सिरातिम मुस्तकीम, कि आप सीधे रास्ते पर हैं। ये लोग आपको मानते नहीं है और आपको कभी जादूगर कहते हैं और कभी शायर कहते हैं, कभी क्या और कभी क्या, कहा कि नहीं नहीं आप तो सीधे रास्ते पर है, जो रास्ता अल्लाह तक पहुंचाता है उस रास्ते पर आप तो चल रहे हैं, अब ये माने न माने ये इनकी मर्जी है, बाकी आप तो सीधे रास्ते पर है, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए पैगंबर। कुरान की कसम खाकर अल्लाह ने नबी की रिसालत को साबित किया। अब ये कुरान कोई ऐसी वैसी जात ने नहीं उतारा, फरमा रहे हैं आगे तंजील अल अजीज रहीम, कि ये कुरान उस जात की तरफ से उतारा जा रहा है जिसका इक्तदार भी कामिल और जिसकी रहमत भी कामिल है, जो बड़ी जबरदस्त ताकत वाला है, जिसके ताकत में कोई उसका मुकाबिल नहीं हो सकता, उस जात की तरफ से। अब ये देखो अल्लाह की सिफत लाए अल अजीज अर रहीम, कुरान तो कुरान है, जहां भी सिफत लाते हैं कोई ना कोई मकसद होता है, पहली सिफत लाए अल अजीज, अल्लाह बड़े जबरदस्त इक्तदार वाला, हुकूमत वाला, ताकत वाला है, बतलाया कि अगर तुम नबी पर ईमान नहीं लाए, कुरान पर ईमान नहीं लाए, तो ये मत समझना कि कौन क्या बिगाड़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबला कर रहे हो तुम अगर बात नहीं मानोगे, वो तो बड़ा जबरदस्त है, पकड़ करने पर आए तो कोई बचा नहीं सकता है, आगे उसकी पकड़ के वाकयात आ रहे हैं। और दूसरी सिफत है अर रहीम, कि अल्लाह बड़े मेहरबान है, उसने ये कुरान को उतारा, इसने मोहम्मद ससम को नबी बनाया, कहा कि यानी इसके जरिए बतलाना चाह रहे हैं ये अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से कुरान दिया, अपनी मेहरबानी से रिसालत जाने की, बंदे का उसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से हमें कुरान अता किया, इसलिए राय रहीम। आगे फरमाते हैं क्यों कुरान उतारा, लितुंदिरा कौमम मा उंदिरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि आप अव्वलन ऐसे लोगों को डराए जो उनके करीब के बाप दादाओं को डराया नहीं गया, क्योंकि खिताब मुशरिकीन मक्का है शुरू अव्वलन, यानी अब हुआ ये कि अरब की सरजमीन पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर नहीं आए, अब उसके बाद हुजूर को जमीन पर पैगंबर बनाकर भेजा जा रहा है, तो कहा गया कि आप तो इन लोगों को डरा रहे हैं जिन पर अभी करीब जमाने में कोई पैगंबर आया नहीं है, यानी बतलाना ये चाह रहे हैं ये कौम बगैर पैगंबर से कई सौ साल से रह रही है, मोहम्मद सल्लम आपको इनके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हुजूर को गोया के इशारतन कहना चाह रहे हैं कि इनके पीछे तो कई सौ साल से कोई नबी नहीं आया, ये तो एकदम जहालत के अंधेरियों में पड़ी हुई कौम है, अब इनके पीछे आपको मेहनत करनी है, अब सोचो कि हुजूर को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी और हुजूर ने कैसी जिंदगी उनके पीछे लगा दी, एक एक के पास सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी मरतबा गए, अंधेरियों में गए, बारिश में गए, सर्दी में गए, गर्मी में गए, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि आपको उनके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी जगह 29वें पारा में अल्लाह ने फरमाया इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, सबा कहते हैं तैरने को, स्विमिंग, हम जानते हैं कितना माहिर स्विमर हो अगर बीच पानी के अंदर रुक गया तो डूब जाता है, मुस्तकिल उसको तैरना ही रहता है, तैरना है तो किनारे पहुंचता है, बीच में रुका तो गया, होया कि आपको तालीम दी है कि मोहम्मद सल्लम आपको मुसलसल मेहनत करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, तो फरमाया ऐसी कौम को आपको डराना है, यानी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है इनके पीछे, लकद हक्कल कौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून, अब हुजूर इतनी मेहनत करते हैं फिर भी ये लोग मानते नहीं, इतने हजरम सब कुछ हुजूर के कुरान उतरता देख रहे हैं, हुजूर के मौजिज़े देख रहे हैं फिर भी मान नहीं रहे, इतने हजरम हो गए वो, तो कह रहे हैं हुजूर को तसल्ली दे रहे हैं लकद हक्कल कौलु अला अक्सरिहिम, उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात अजाब की पूरी हो चुकी है, फहुम ला युमिनून, नबी आप गम मत करो वो ईमान लाने वाले नहीं है, यानी हुजूर को मेहनत से नहीं रोका गया, कहा कि आपका काम है इनको समझाते रहो, बाकी इनमें से कौन ईमान लाएगा कौन नहीं लाएगा हमने पहले से लिख दिया है, इस पर सवाल होगा जब लिखा है कि भाई ईमान नहीं लाने वाले हैं तो मेहनत करने की जरूरत क्या है, उसका जवाब हुसैन ने बड़ा प्यारा दिया कि अल्लाह ने लिखा है कि इनके ऊपर नबी भेजे जाएंगे, नबी इनको समझाएंगे, अल्लाह उनको इख्तियार देगा, उसके बाद वो ईमान नहीं लाएंगे, पूरा ये बात लिखी हुई है, ये नहीं है कि कोई नबी आया नहीं किसी ने समझाया नहीं, नहीं नबी भी आएंगे समझाएंगे भी फिर भी उनमें से बाज लोग ईमान नहीं लाएंगे, ये पहले से लिखा हुआ है, लेकिन नबी को तो कहा कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा,
कि आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत देना हमारा काम है, लेकिन आपका काम अपने काम को करते रहिए, इनको समझाते रहिए। वदक्किर फइन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन, आप समझाते रहिए। आगे फरमाते हैं, अब दो मिसाल दे रहे हैं कि इतने हटधर्म है, ईमान न लाने है, नबी को परेशान करने वाला है मुशरिकीन मक्का, इनके ईमान से दूरी की और इनकी हटधर्मी की दो मिसाल दी जा रही है। इन्ना जअलना फी आनाकिहिम अगलालन, गोया के इनके घरों में टॉप क्या है, टॉप डाले हुए हैं, जंजीरें डाली हुई है। फहियल अस्कान, जो थोड़ियों तक फंसी हुई है, फहुम मुकमहून, उसकी वजह से इनके सर ऊपर को उठे हुए हैं। एक बहुत प्यारी मिसाल दी, पहले जमाने में, आज के जमाने में भी वो गर्दन की बीमारी होती है तो गर्दन का पट्टा डॉक्टर देता है। पहले जमाने में तलवार की लड़ाई होती थी तो वो गर्दन में भी इस तरह पहनते थे टॉप। अब वो तो टॉप डाला, या आज के जमाने में पट्टा डाला, तो पट्टे की वजह से इंसान गर्दन को हलन चलन नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, यानी नीचे गर्दन झुकेगी नहीं। जिसको गर्दन की बीमारी हो उसकी गर्दन नीचे न झुके इसलिए पट्टा देते हैं। अब वो पट्टा पहना है तो इंसान का सर स्ट्रेट रहेगा, नीचे झुकेगा नहीं। तो कहा कि गोया कि इनके घरों में भी किसी ने टॉप डाल दिया है कि इनके नीचे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इतना वाजे बहुमसम दीन लेकर आए, ये दीन का रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा है, गोया कि इनके घरों में टॉप डाले हुए। एक मिसाल है, एग्जाम्पल है ये, कि जैसे टॉप डाला हुआ नीचे नहीं देख सकता, वैसे भी ये दीन के रास्ते को इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इन्होंने अपने ऊपर कुफ्र के और धर्मी के टॉप डाले हुए। दूसरी मिसाल दे रहे हैं, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन, या तो गोया के हमने उनके एक तरफ भी दीवार यानी आड़ बना दी है, आगे भी आड़ बना दी है और उनके पीछे भी आड़ बना दी है। फअक्षयनाहुम, फिर इस तरह दोनों तरफ उनको ढांप दिया है। फहुम ला युबसिरून, कि वो देख नहीं सकते। अब एक इंसान है, अपने आप को किसी कमरे में कैद कर ले, आगे पीछे भी दीवार है, आगे भी कोई आड़ है, पीछे भी आड़ है, उसको बाहर का नजर नहीं आएगा, बाहर क्या चल रहा है, कितनी रोशनी है, उसको क्या अंदर अंधेरा है। वैसे इन्होंने अपने आगे पीछे कुफ्र की, दलालत की, गुमराहियों की ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी है कि उनको नबी की तालीमात की रोशनी उनको नजर नहीं आ रही, अल्लाह के कुरान की उनको रोशनी नजर नहीं आ रही। ये दो मिसालों के जरिए उनकी हटधर्मी को बतला रहे कि वो कैसे हटधर्म है, आप इतने इतना समझा रहे फिर भी मानते ही नहीं है। लेकिन आपको तो मेहनत जारी रखना है, बार बार यही बात कही जा रही है। कह रहे हैं, वो सवाउन अलैहिम अंदरतहुम अम लम तुंदिरहुम ला युमिनून, इनको नसीहत करो या न करो, ये दोनों उनके लिए बराबर है, किसी भी हालत में वो ईमान नहीं लाएंगे। जिनके बारे में अल्लाह ने लिखा है तो नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे। आप सबके चचा है अबू तालिब, इतना साथ दिया आपका, अलल ऐलान साथ दिया, और क्या क्या साथ नहीं दिया, और आपको उनकी वजह से कितनी राहत दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब तक अबू तालिब रहे। आखिरी वक्त है, हुजूर कह रहे हैं कि चचा कलमा पढ़ लो, मैं इंशाल्लाह बाकी के मराहिल आपके बारे में सिफारिश करके निमट लूंगा, आप कलमा पढ़ लो। अबू लहब बैठा है पांव के सिराने, वहां से पांव दबा कर कह रहा है कि देखना, लोग कहेंगे तुम्हारे मरने के बाद कि मौत के डर की वजह से भतीजे का दीन कबूल कर लिया। लंबी गुफ्तगू हुई, अबू तालिब यूं कहकर गए कि इख्तरतुल आर फलन, इख्तरतुल आर फलन नार, आर यानी नाक, नाक का मसला आ गया ना, तो भाई देखो कहेंगे भतीजे का दीन कबूल कर लिया, आर का मसला है, कहा कि मैं आर को कबूल करता हूँ, लेकिन जहन्नम को कबूल करता हूँ लेकिन आर नहीं छोड़ूंगा, बगैर कलमे के गए। हुजूर का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको यानी भतीजा होना भी जहन्नम से नहीं निकाल पाएगा, कि हुजूर इमामुल अंबिया भतीजे हैं और ये चचा है, पूरी जिंदगी साथ दिया है, और दूसरी बात तो छोड़िए, पूरी जिंदगी हुजूर का साथ दिया लेकिन कलमे के साथ नहीं गए, हमेशा हमेशा की जहन्नम सामने तैयार है, हुजूर का भतीजा होना जहन्नम से इनको निकाल नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं कि जिनके बारे में लिखा है वो नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे, आप इतना गम ना करें, अफसोस ना करें, आप अपना काम कीजिए लेकिन इतनी ज्यादा गमगीन इनके पीछे मत होइए। अब कुरान का एक उसलूब है, कुरान जब भी अल्लाह के बागियों की बात करता है, जहन्नमियों की बात करता है, साथ में कुरान जन्नत वालों का भी तज़किरा करता है। तो कुरान यूं कह रहा है, इन्नमा तुंदिरु मन इत्तबअ ज़िक्रा, सो तुम तो सिर्फ उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो
मन इत्तबा दिकरा, जो नसीहत की पैरवी करे यानी कुरान की इत्तबा करे, कुरान को अपना दस्तूर हयात बनाए, वह खशियर रहमान बिल गैब, और खुदा रहमान से गाइबाना डरे। हमारा ईमान अल्लाह पर ईमान बिल गैब है, इसीलिए सकरात के वक्त का ईमान मोतबर नहीं है। उस वक्त तो फिरौन भी ईमान लाया था, सकरात की जब डूबने लगा फिरौन पानी में, उस वक्त तो वो भी ईमान लाया कि मैं तो मूसा हारून के रब पर ईमान लाया। कुरान ने कहा अलान, अब ईमान लाता है, इससे पहले तो नाफरमानदार, अब का ईमान मोतबर नहीं। सकरात के आलम, चूंकि सकरात में इंसान गैब की चीजें देखना शुरू कर देता है, फरिश्ते आ रहे हैं रूह निकालने के लिए, तैयारी हो रही है, वो सब, अब ईमान लाना, ईमान तो ईमान बिल गैब है हमारा, अल्लाह के साथ पर बिन देखे हमारा ईमान है। तो कहते मोमिन, आप तो उनको ही डराइए जो अल्लाह से खुदाए रहमान से गाइबाना डरते हैं। फबशिर हो बिमगफिरत व अजरिन करीम, सो उन लोगों को मगफिरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दीजिए जो अल्लाह से गाइबाना डरते हैं। हम सबका ईमान है कि नहीं अल्लाह पर? गाइबाना ईमान, ईमान बिल गैब है। हमारे लिए कुछ खबरी है कि मगफिरत की और अल्लाह की तरफ से बड़े सवाब की। अल्लाह मगफिरत का ऐलान कर रहा है, और अजीब बात देखो, मगफिरत का अशरा चल रहा है, दूसरा अशरा जो है मगफिरत का अशरा है, और उस पर अल्लाह की कितनी मगफिरत, इसका कोई ठिकाना नहीं। रोजाना हजारों लाखों इंसानों को अल्लाह जहन्नम से निकाल रहा है, और अल्लाह इंसानों की मगफिरत कर रहा है। कोई बहाना तो हम लेकर जाए अल्लाह के सामने, अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढिए, कोई बहाना तो पेश करे हमारे सामने। हमारे पास कुछ बहाना तो हो कि अल्लाह दो रकात मैंने तेरे खातिर पढ़ी, एक रोजा मैंने तेरे लिए रखा है, अल्लाह 20 रकात तरह भी तेरे लिए पढ़ी, कोई बहाना तो पेश करे। अगरचे हमारी नमाज का हाल हमें ही मालूम है, इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं और वो हमारा ध्यान कहाँ होता है हमें ही मालूम है, लेकिन अल्लाह कुछ भी नहीं, तेरे सामने खड़ा तो रहा मैं, एक कोई बहाना तो अल्लाह के सामने पेश करे, फिर अल्लाह की रहमत चल रही है। मुबारक अय्याम चल रहे हैं, रमजान का मुबारक महीना, मगफिरत का अशरा चल रहा है, अल्लाह की तरफ से रहमत के झोंके उतर रहे है। कोई मानने वाला है? कोई रोजी तलब करने वाला है? कोई मगफिरत चाहने वाला? अल्लाह रोजाना तहज्जुद में ऐलान कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, लिखा है मुशाइख ने कि दो वक्त रमजान में गफलत में कभी ना गुजारे, दो वक्त, ऐसे तो कोई वक्त भी नहीं गुजारा, लेकिन दो खास वक्त है अल्लाह की रहमत के, एक है सहरी का वक्त और एक है इफ्तारी का वक्त। दोनों वक्तों में अल्लाह की रहमत बे इंतहा नाज़िल होती है। सहरी में तो अल्लाह आसमान दुनिया पर होते हैं और कहते हैं फरिश्तों के जरिए आवाज लगाई जाती है कोई मांगने वाला उसकी मगफिरत करो, है कोई रोजी का तारीफ उसकी रोजी में बरकत दू, है कोई मगफिरत चाहने वाला, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है। तो ये सहरी के देखो पूरा साल, अल्लाह जिसको तौफीक दे, बाकी तहज्जुद पढ़ना बहुत मुश्किल है। फजर में मान मान उठकर आते हैं तो तहज्जुद तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के बंदे हैं ऐसे पूरा साल पढ़ने वाले भी, लेकिन सहरी के तुफेल हम उठ गए हैं, उठे हैं तो जरा 5 मिनट जल्दी उठ जाए और 5 मिनट अल्लाह से मांग ले। इतना भी नहीं कर सकते जब सहरी खत्म होने का ऐलान होता है, वहां भी 5 मिनट बाकी रहती है सुबह सादिक में, और अजान में दूसरी 5 मिनट, पहला और अजान के बीच 10 मिनट होते हैं, इन 10 मिनट में तो अल्लाह से मांगने ही वाला बने, ये 10 मिनट तो बिल्कुल जाया ना हो, एकदम रहमत का वक्त है ये, जो हमारे टाइम पास में टॉयलेटों में और बातों में इधर उधर गुजर जाती है, तो अल्लाह की रहमत का खास वक्त है। पूरे साल तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन कम अज कम इन दिनों की तो कदर करें, और अभी तो आखिरी अशरा आ रहा है और अल्लाह की रहमत बढ़ने वाली है। तो ये एक वक्त, कौन सा? सुबह में कम अज कम जिसको अल्लाह तौफीक दे 5-10 मिनट जल्दी उठकर भी करे, लेकिन कम अज कम इतना तो करे कि जब सहरी खत्म होने का ऐलान हो वहां से लेकर अजान हो, ये 10 मिनट का वक्फा तो बिल्कुल जाया ना हो हमारा। और दूसरा इफ्तार के वक्त, हर रोजेदार की इफ्तार के वक्त में एक दुआ अल्लाह जरूर कबूल करते। अब दुआ की कबूलियत का माना है, हम गए कि इतने सालों से मांगते हैं, दो घर, दो उनका घर है, तीसरा उनका घर का इंतजाम ही नहीं होता है, तो दुआ की कबूलियत के भी माना है। हदीस में भी फरमाया कि अल्लाह देखता है, अल्लाह का एहसान तो देखो, दुआ में भी अल्लाह का, दुआ मांगने की तौफीक दी अल्लाह ने, और उस पर भी अल्लाह का एहसान ये कि जो बंदे ने मांगा अल्लाह उसकी मसलहत देखता है, तुम्हें इसको देना बेहतर है कि नहीं है। अभी झोपड़ी में रह रहा है, दो रूम के घर में रह रहा है, तो मस्जिद में भी आ रहा है, अपने आप को ठंडा रखकर नमाज भी पढ़ रहा है, दावत तबलीग में भी लगा है, 3 दिन भी जा रहा है, अभी उसको पढ़ा दूंगा, माल दूंगा, तो ये अल्लाह का बागी बन जाएगा, मस्जिद में आना बंद कर देगा, तो फिर ये तो मेरा बागी बन गया। अल्लाह हिकमत देखते हैं देने में,
तो या तो अल्लाह जो मांगा वो दे देते हैं, जो नहीं मांगा उसके दूसरे नंबर पर, उसके बदले में उस पर से कोई परेशानी दूर करते हैं, बंदे को मालूम भी नहीं होता है। वो भी नहीं हुआ तो तीसरे नंबर पर कहा कि उसका सवाब आखिरत के लिए जमा स्टॉक कर लेते हैं। जब बंदा कयामत में आएगा अल्लाह कहेंगे देख बंदे तूने ये दुआ मांगी थी, तुझे ऐसा लगा मैंने कबूल नहीं की थी, ले इसका ये सवाब, ये मांगा था तुझे नहीं दिया था, ले इसका सवाब। और वो सवाब देख कर कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, कि दुनिया में तो जो मांगा अगर मिल गया तो वो तो खत्म हो गई जिंदगी में, यहाँ तो एक एक नेकी के लिए इंसान तरस रहा है और इतना ज्यादा सवाब मिल रहा है, काश कि दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। तो ये दुआ की कबूलियत का माना है। इफ्तार के वक्त में रोजेदार की दुआ तालीम के पीछे, एक क्लास दूध के पीछे, दो समोसे के पीछे मत पड़े रहो, जो मुकद्दर में है वो रोजी मिलने वाली है। जब तक इंसान आखिरी दाना मुकद्दर का है वहां तक खाएगा नहीं, वहां तक मौत आएगी नहीं, जो मुकद्दर में वो मिलने वाला है। लेकिन क्या है, ये दुआ का वक्त है इफ्तार का, ईरान तुरान की बातों में इधर उधर टाइम पास में अपनी मस्तूरात को ताकीद करो कि भाई असर के वक्त में जल्दी से फारिग हो जाओ, आखिरत की तुम भी मौत आ जाओ। आखिरत की तो उनको भी जरूरत है, नेकियों की उनको भी जरूरत है, उनको फरमाइश मत करते रहो कि आज ये चाहिए बनाकर, कल वो बना कर दे, परसों वो बना कर दे, वो बेचारी उसी में लगे रहती है और इधर इफ्तार का वक्त हो जाता है, तो क्या वो मोहताज नहीं है? तो कहो कि भाई कम बनाएगी तो क्या मर नहीं जाएंगे, लेकिन तू भी आखिरत की मोहताज है, 10-15 मिनट जल्दी से फारिग होकर दुआ में तू भी लग जा। तो मेरे भाइयों मगफिरत का अर्शा चल रहा है, अल्लाह कहता है मोमिनों को, ऐसे मोमिनों के लिए मगफिरत है और बड़े सवाब, बड़ा सवाब है, उसकी आप खुशखबरी इनको सुना दीजिए। अब ये फैसला कब होगा, ईमान लाने वालों को असल फायदा और ईमान न लाने वालों को असल नुकसान। दुनिया में तो अल्लाह का भी हल्का मजा चखाते हैं, वो नाम तो दुनिया में मोमिन ज्यादा परेशान रहते हैं, देखो अल्लाह के बागी उनके माल प्रॉपर्टी बिल्डिंग जायदाद, और हम मोमिन कभी दिल में बात आती है, शैतान कभी ये बात डालता है कि अल्लाह हम तो नमाजी बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन परेशानी दूर नहीं हो रही है, और ये अल्लाह के बागी खुल्ला खुल्ला दंदनाते फिर रहे हैं, कहेंगे कि ये तो दुनिया उनके लिए जन्नत है और हमारे लिए तो कैद खाना है, असल हमारा तो वतन जन्नत है, जन्नत से आए जन्नत में जाना है। तो कहा कि मरने के बाद सही फैसला होने वाला है, दुनिया में तो अल्लाह कभी कभी कुछ चखा देंगे, बाकी आमतौर पर चुके दुनिया उन पर वसी की है, चूंकि अल्लाह अजाब भी ज्यादा देना चाहते हैं तो दुनिया में उनको अल्लाह अपनी नाफरमानी में भी बढ़ाते हैं, और मोमिन को अल्लाह दुनिया में ही माफ करना चाहते तो परेशानियों में ही। हदीस में हुजूर ने बहुत प्यारी मिसाल दी, कहा कि जैसे एक गोल एक चौकोर खींचा, एक चौरस बनाया स्क्वायर, और कहा कि उसके पीछे ये लकीर, ये छोटी छोटी बहुत सारी लकीर खींची और बीच में एक बड़ी लकीर, बड़ी लाइन उस चौरस से बाहर जा रही है। कहा कि देखो ये छोटी छोटी है ना, ये इंसान के हाथ साथ है, आज बच्चा परेशान हुआ, कल बीवी बीमार हुई, परसों पापा बीमार हुए, आज रोजी में बरकत नहीं हुई, कल ये छोटे छोटे हादसे मोमिन के साथ लगे रहे आते ज रहेंगे, अल्लाह उसके बदले में उसके गुनाहों को माफ करना चाहता है, और ये बड़ा हादसा कहा कि ये मौत है, ये आकर रहने वाला है, ये तो जरूर आकर रहने वाला है, तो ये परेशानी अल्लाह दुनिया में माफ करना चाह रहा है इसीलिए परेशानी में रखता है कि मोमिन मेरे से जुड़ा रहे। हाल होता है ना, परेशान नमाज में भी आएगा, अब जरा परेशानी है तो मस्जिद में भी आएगा, जमात में भी जाएगा, सब कुछ, जहां थोड़ी हालत अल्लाह अच्छी करता है अब पढ़ लेंगे बाद में, 3 दिन बाद में चले जाएंगे, ये होता है, इसलिए अल्लाह दुनिया में ऐसे हाल में रखता है। मोमिन के बारे में कहा कि मोमिन तो दो रास्ते से अल्लाह तक पहुंच सकता है, जन्नत वाला रास्ता भी है, जहन्नम यानी शुक्र वाला रास्ता भी है और सब्र वाला रास्ता भी है। अगर नहीं दिया है तो सब्र करके जन्नत तक पहुंच जाओ, दिया है शुक्र करके जन्नत तक पहुंच जाओ, दोनों रास्ते अल्लाह ने दे दिए। एक बुजुर्ग कहते थे, एक शादी फरमाते, एक मरतबा एक बुजुर्ग बाहर निकले, उनके पाँव में चप्पल नहीं थी, दिल में आया कि अल्लाह तूने मुझे चप्पल भी नहीं दी। अल्लाह ने सामने से एक इंसान को गुजारा जो पाँव घसीटा हुआ जा रहा था, जिसके पाँव ही नहीं थे, कि अल्लाह तूने मुझे पाँव तो सही सलामत दिए, भले चप्पल नहीं है, ये मेरा भाई देखो बगैर पाँव के जा रहा है, तेरा एहसान के पाँव को मुझे सलामत दी। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, तो अल्लाह की नेमतों की शुक्र की अल्लाह तौफीक देगा। बहुत प्यारी बात हदीस में हो रही है, दीन के मामले में कि भाई मैं 5 वक्त पढ़ता हूँ, मेरा फुना दोस्त मेरा भाई तो तहज्जुद भी पढ़ता है, वाबीन भी पढ़ता है, दीन के मामले में ऊपर वाले को देखे, और दुनिया के मामले में नीचे वाले के, भाई छोटा सा घर है मेरा, 1 रूम 1 BHK का, देखो नी अल्लाह के बहुत सारे बंदे देखो नी फुटपाथ पर झोंपड़ों में घर गुजार जिंदगी गुजार देते हैं, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने इतना तो मुझे दिया है, तो अल्लाह के शुक्रगुजारी करने पर अल्लाह देगा इंशाल्लाह और ज्यादा।
तो असल फैसला कयामत में होगा। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नुहयिल मौता के बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, वनक्तुबु मा कद्दमू व आखरहुम और जो कुछ आमाल उन्होंने किए हैं उन आमाल को और उनके असरात को हम लिखते जा रहे हैं। एक है अमल, एक है असर। अमल का माना जो इंसान खुद करे और असर का माना इंसान ने किया खुद नहीं लेकिन उसके जरिए वो काम हुआ उसको उसका असर कहते हैं। जैसे कि भाई हमने क्या किया कि भाई हमने नमाज पढ़ी, ये हमारा अमल है, लेकिन हमने किसी को नमाज की तरगीब दी, अब वो नमाज पढ़ेगा उसके जरिए दूसरा पढ़ेगा। या हमने जैसे कुरान खुद पढ़ा, ये हमारा अमल है, हमने किसी को कुरान पढ़ा दिया, किसी के कुरान के अंदर हम जरिया बन गए, किसी को हमने हाफिज बना दिया, वो पढ़ेगा उसके जरिए दूसरा पढ़ेगा, उन पढ़ने वालों को तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जो असल बाइस बना उसको पूरा कब्र में जाने के बाद भी सवाब मिलेगा। इसको कहते हैं सवाब जारिया का काम, सदका जारिया। हदीस में फरमाया इंसान जब मर जाता है इनका का अमल उल्ला सलास, तो तीन अमल के अलावा बाकी का उसका अमल खत्म हो जाता है, तीन चीजों का सवाब जारी रहता है। एक तो इल्म युन्तफाउ भी, वो इल्म जो किसी को सिखाया कयामत तक उससे जो फायदा उठाएगा उसको सवाब मिलेगा। वलदुन सालिहुन नेक औलाद छोड़ी, नेक औलाद जितनी नेकी करेगी उसका सवाब बाप को मिलता रहेगा कब्र में पहुंचकर भी। हत्ता के इमाम गज़ाली ने तो लिखा कि औलाद के लिए इसाले सवाब की नीयत भी जरूरी नहीं, वो औलाद इसाले सवाब की नीयत करे ना करे बाप को सवाब मिलता रहेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि कोई भी सदका जारिया का काम चालू कर दिया, पानी का चश्मा कहीं चालू कर दिया, कुरान किसी को दे दिया, किसी को हाफिज़ कुरान बना दिया, ये काम ऐसे हैं जो मरने के बाद, ये इसको कहते हैं आसार। एक तो अमल और एक असर। अल्लाह कहते हर एक को हम उसके सामने कर देंगे, कितने खुश नसीब होंगे वो कि जिसके नाम आया अमल में, किसी को तरगीब दी हज के लिए भेजा उसका हज का सवाब इसको, किसी को हाफिज़ बनाया उसका सवाब इसको, कितना ज्यादा सवाब मिलेगा। उसके मुकाबले में अगर कोई गुनाह की रहनुमाई की तो गुनाह का जितना काम होता रहेगा जो गुनाह करने वाला है उसको तो वबाल होगा, पूरा वबाल इस जारी करने वाले को भी होगा। दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे काबिल और हाबिल, उसमें से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। कुरान में बहुत लंबा वाकया है ये, उसका मौका नहीं। लिखा है कि कयामत तक जितने कत्ल के गुनाह होंगे कादिल को तो गुनाह होंगे, काबिल जो पहला गुनाह करने वाला है उसके नामायामर में भी उस कत्ल का गुनाह होगा। हम कोई नेकी का काम जारी रखे, कोई गुनाह का ना काम शुरू करके ना जाए। हमारे खुद के गुनाह कम है कि दूसरे के गुनाह अपने सर पर ले, हमारे खुद के गुनाह कम है। तो कहते हैं कि अच्छे काम जारी करके गए उसका सवाब मिलेगा, बुरे गुनाह जारी करके उसका वबान मिलेगा। समझे? आगे फरमाते हैं वकुल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन के हर चीज को जो कयामत तक भूल होने वाली है हमने एक रोशन किताब यानी लोहे महफूज में लिख कर रखा है। लोहे महफूज में दुनिया की पैदाइश से पहले ही सब लिखा जा चुका है, कौन पैदा होगा, कब पैदा होगा, रिस्क क्या होगा, नेक होगा, बुरा होगा, सब कुछ लिखा जा चुका है। जब फतल कलम हदीस में फरमाया कलम लिखकर खत्म हो गई, अब जो लिखा है वो होकर रहने वाला। अब मेरे भाइयों हमें मालूम नहीं कि क्या लिखा है, हमें अपने आगे अमल करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह से डरते रहे कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। सबसे बड़ी बात जो है अल एतबार बिल खवातिम, सबसे बड़ा एतबार खात्मे का है, ईमान पर खात्मा हुआ ये जन्नत की है। तो हमारा ईमान हमें बचा कर लेकर जाना है। अल्लाह ने रहमत का महीना दिया, ये कुरान दिया, ये नबी दिया, इसीलिए दिया कि उसकी हिदायत के मुताबिक हम चलेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमारा ईमान साथ देगा, मरने के वक्त भी साथ देगा और हमारा ईमान जहन्नम से निकालकर जन्नत में हमें ले जाएगा। ये रहमत का महीना, कुरान का महीना चल रहा है मेरे भाई, कुरान से जुड़ो। कुरान कुरान है, कुरान कुरान है, कुरान से जुड़ो। कुरान नहीं आता सीखो समझो पढ़ो, रोजाना पढ़ने की आदत डालो। कुरान कुरान है, वरना कुरान में यूं फरमाया कि कयामत में कुरान हमारे खिलाफ गवाही देगा अगर कुरान को हमने पसे पुछ डाल दिया तो। इन्ना कौमि इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, ए अल्लाह इन्होंने तो मुझे पसे पुछ डाल दिया था। मैयत होता था तो यासीन पढ़ते थे और वो भी जिसकी मैयत हुई है उसके घर वालों को तो तौफीक नहीं होती, बाहर से बुलाकर पढ़ाना पड़ता है, तो वो क्या पढ़ेंगे, उनको थोड़ी उनके बाप मरा है, वो तो आकर पढ़ के खत्म कर। जो इंसान की खुद की कैफियत होगी वो खुद पढ़ेगा, बहुत बहुत तो घर का इफ्तिताह है तो बकरा पढ़ ली, या कभी कहीं खत्म देगा किसी मैयत का तो वह नहीं। नहीं मेरे भाई, ये कुरान कुरान है, रोजाना कुरान खोलो पढ़ो, एक रुकू से शुरू करो, कम से कम पाओ पारा रोजाना पढ़ने की आदत डालो। इधर उधर बैठ कर टाइम पास होता रहता है, रमजान का मुबारक महीना, एक एक घड़ी जिसकी कीमती,
उस एक एक घड़ी को जाय मत होने दो, जाय मत होने दो। और ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, कितने प्यारे, पूरे सुबह से 7:30 बजे स्कूल जा रहे हैं, फिर आकर पढ़ने जा रहे हैं, फिर आकर ट्यूशन जा रहे हैं, फिर भी बहुत सारे माशाल्लाह रोजेदार हैं। लेकिन इनकी असल कुर्बानी, हम तो बैठे 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 रहे घर में रहते हैं, असल तो देखो कितनी कुर्बानी है। तो अपने बच्चों को भी समझाओ कि बेटे जब इतनी कुर्बानी दी तो कोई वक्त जाए मत कर। जब रोजा रखा ना कहते फिर भी बच्चे जिद करके रखते हैं, अल्लाह का एहसान मानो ये भी कि हमारे माँ बाप ने बचपन से रोजा रखने की आदत डाली तो आज हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। इससे खतरनाक गर्मियों के रमजान गुजर चुकी, लेकिन कभी हमें एहसास, क्योंकि बचपन से हमने माँ बाप ने ऐसी आदत डाली। इसलिए कहते अपने बच्चों को रोजे की आदत डालो, चाहे आधा दिन का रखता है आधा दिन का रखने दो। बच्चा बच्चा है भाई कि भाई तेरा रोजा आधा दिन का, जब भूख लगेगी खा लेना कोई, लेकिन आदत डालो। बहुत सारे बच्चे प्यारे प्यारे रोजे रख के स्कूल जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं स्कूल की, मदरसे की, मकतब, ट्यूशन, उनकी असल कुर्बानी। उनको अभी से हिम्मत दो, ताकत दो, इनको समझाओ कि देखो बेटे कुरान से जो कोई भी वक्त तेरा जाए, तू इतनी कुर्बानी दे रहा है, कोई वक्त जाए ना हो पाए। और मेरे भाई खास करके रमजान में हर जगह वबा फैली हुई है, परसों से भाई कहते कहते थक गए, कहना हमारा काम है कि भाई मस्जिदों में आवाज ना करो। अभी मस्जिद में आया, 2-5 उधर बैठकर टोले लगा रहे थे, 2-5 उधर बैठकर टोले लगा। अल्लाह का घर है मेरे पास, रोजे की हालत में हमें इतनी बड़ी गर्मी में रोजा रखा, और हमें अपने सवाब को क्यों जाहिर कर दे, हमारा सवाब क्यों खत्म कर दे हम रोजे का, बैठे बैठे दुनिया की बातें होगी। हदीस में यूं फरमाया, जब बंदा मस्जिद में अल्लाह के घर में दीन की बात, दुनिया की बात करता है, एक फरिश्ता कहता है चुप हो जा, वो चुप होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है फिर वापस कहता है अल्लाह के बाकी तो चुप हो जा, फिर भी नहीं होता है। तीसरी वर्मा कहता है अल्लाह की तुझ पर लानत हो तो चुप हो जा। तो मस्जिद में हम रहमत लेने आए, बरकत लेने आए, नमाज पढ़ने आए, अल्लाह के फरिश्तों की लानत लेने आए। कहते हैं सिर्फ एहतिकाफ की नियत करके दाखिल हो जाओ, कुछ भी नहीं करोगे तो अभी एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। नमाज के इंतजार में बैठने वाला भी नमाज के सवाब में रहता है जब तक कि वो नमाज के खिलाफ की कोई बात ना करे। अब नमाज में जैसे बात करने से नमाज टूट जाती है, तो अगर हमने दुनिया की कोई बात कर ली किसी के साथ तो नमाज का सवाब खत्म हो गया। कितना बड़ा सवाब नमाज के इंतजार में बैठने पर, नमाज का सवाब, जो नमाज में सवाब वो भी नहीं पा, लेकिन जब तक के नमाज के खिलाफ की कोई बात नहीं करे। अब नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, तब अगर हम खड़े होकर कुरान पढ़ेंगे तो सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, नमाज का सवाब अपनी जगह मिलता रहेगा। नमाज में जिक्र किया जाता है, जिक्र करेंगे बैठकर तो कोई नुकसान, डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह के वास्ते मस्जिदों में अपने सवाबों को जाया ना करो। रोजा इतनी कुर्बानी देकर रखा है तो फिर उस सवाब को जाया ना करो। मुबारक महीना वापस मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, हमें कोई मालूम नहीं है। छोटे छोटे बहाने पर अल्लाह जब मगफिरत करता है, छोटी छोटी बातों पर अल्लाह पकड़ भी कर सकता है, अल्लाह पकड़ करता भी है कभी कभी। इसलिए मेरे भाइयों फिर एक बार अपील करते हैं, अल्लाह के घर में दुनिया की बातें बंद करो, बंद करो, बंद करो। अल्लाह वरना अल्लाह का घर बददुआ देता है कि अल्लाह जिसने मुझे बर्बाद किया, इस तरह दुनिया की बातें कर तू उसको हैरान कर दे, अल्लाह का घर बददुआ देता है मेरे भाई। अब तो कितना समझा है, अल्लाह के वास्ते मेरे भाई मस्जिद के अंदर आओ, एहतिकाफ की नियत करके आओ, सीधे पांव से आओ, दुरूद शरीफ पढ़ के आओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के आओ, दुआ पढ़ के दाखिल हुए, 6 सुन्नत हुई, 6 सुन्नत के बाद आकर कुरान पढ़ो, जिक्र करो, दुआ मांगो, कुछ नहीं कर सकते, बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहो। जब नमाज पढ़ी हो, नमाज खत्म करके पढ़ने का तौफीक अल्लाह दे तो पढ़ो और फिर चले जाओ। लेकिन अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर में दुनिया की बातें आखा खीखी मजाक मस्ती मत करो, वरना फिर मेरे भाइयों पूरा सवाब एक तरफ। देखो कूलिंग चल रहा है, एसी चल रही है, 5-5, 6-6 AC चल रही है। अब अगर दरवाजे खोल दे तो कूलिंग खत्म हो जाएगा, फिर हम एक्सरे वाले टेक्नीशियन को बुलाएंगे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी एसी लगाई, इतनी ज्यादा लगाई, कूलिंग तो हो नहीं रहा है। वो आकर देखेगा क्योंकि भाई दरवाजे ने बारी तो खुली है, तो एसी का कूलिंग कहाँ असर देगा। तो हमने भी नेकियों का कूलिंग रमजान में तो खोल दिया है, लेकिन गुनाहों की खिड़की दरवाजे खुले रखे हैं, तो फिर उसका सवाब कहाँ होगा। एक जिम्मा फरीजा अदा हो जाएगा, लेकिन जो सवाब मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा मेरे भाई। अपने रोजों की हिफाजत करो, इस मुबारक महीने की कदर करो, रमजान से जुड़े रहो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।